आध्यात्मिक रहस्यों और सांपों को कभी अलग नहीं किया जा सकता। दुनिया में जहां कहीं आध्यात्मिक रहस्य की खोजबीन की गई है या उसका अनुभव किया गया है, जैसे मेसोपोटामिया, क्रेट, इजिप्ट, कंबोडिया, वियतनाम और जाहिर है भारत की प्राचीन संस्कृतियों में, वहां सांप हमेशा मौजूद रहे हैं। ऐसा कोई भारतीय मंदिर नहीं है जहां सांप न हो। इसका एक पहलू है कि इसे एक प्रतीक के रूप में लिया जाता है। योग में कुंडली मारकर बैठा हुआ सांप कुंडलिनी का प्रतीक माना जाता है। इसे प्रतीक माने जाने का कारण यह है कि चेतना और क्षमता के स्तर पर आकाशीय प्राणियों जैसे यक्ष, गंधर्व को इंसानों से बेहतर माना जाता है। जब भी इन प्राणियों ने अस्तित्व के इस आयाम में प्रवेश किया तो उन्होंने हमेशा एक सांप का रूप धारण किया। पृथ्वी पर मौजूद सभी प्राचीन और पौराणिक कथाओं में इसकी चर्चा की गई है। भारत में शिव के नागभूषण होने की कहानी से लेकर ऐसी अनगिनत कहानियां हैं। लगभग 4000 साल पहले मेसोपोटामिया की एक देवी को अर्पित एक पात्र पर आलिंगन में बंधे दो सांपों का चित्र देखिए। आध्यात्मिक रहस्यवाद बोध का एक खास पहलू है और सांप में यह क्षमता देखने को मिलती है। इसीलिए शिव के माथे पर तीसरी आंख के खुलने को, जिसको बोध की एक ऊंची अवस्था मानी जाती है, सांप की मौजूदगी द्वारा दिखाया जाता है। सांप आमतौर पर जमीन पर रेंगता है, लेकिन शिव ने इसे अपने सिर के ऊपर रखा। इससे वे ये बता रहे हैं कि कुछ मामलों में सांप मुझसे बेहतर है। किसी ना किसी तरह से हर एक संस्कृति ने इस बात को मानी है। हमारी संस्कृति में सांपों और उनकी भूमिका को लेकर कई कहानियां लिखी गई हैं। पुराणों में नरक में नागलोक होने की बात कही गई है। सांपों के एक पूरा समाज की कल्पना है जिसमें सिर्फ सांप ही नहीं बल्कि सर्प वंश के मनुष्य भी शामिल है। उनको नाग आ कहा जाता है। उन्होंने इस राष्ट्र की संस्कृति और दूसरी कई संस्कृतियों को सवारने का काम किया है। इतिहास में झांकने पर मालूम होता है कि कंबोडिया में अंगकोर के महान मंदिर नागाओं की संतान ने ही बनाए हैं। वे भारत से गए, वहां के स्थानीय लोगों से शादी की और एक राज्य स्थापित किया। नागाओं में राजकाज रानियों के हाथ में होता था, राजा के हाथ में नहीं, क्योंकि वे मातृसत्ता वाले परिवार थे। बाद में एक ब्राह्मण राजा कौंडिन्य ने वहां जाकर नागाओं की रानी को हरा दिया। ऐसे इंसान अभी भी मौजूद हैं, जिनका सांपों से बड़ा गहरा नाता है। मैं भी उनमें से एक हूं। मैं नागा नहीं हूं, लेकिन मेरे जीवन को सांपों से अलग नहीं किया जा सकता। मेरी जिंदगी के हर महत्वपूर्ण वक्त पर सांप हमेशा मौजूद रहे हैं। अगर कोई इंसान ध्यानशील हो जाता है तो उसकी तरफ खींचने वाला पहला प्राणी सांप ही होता है। इसीलिए चित्रों में साधु संतों के इर्द गिर्द आपको सांप नजर आते हैं। सांप की बौद्ध शक्ति इतनी तेज होती है कि जिन पहलुओं को जानने के लिए इंसान बेचैन और बेताब रहता है, सांप उनको बड़ी आसानी से जान लेता है। ध्यानलिंग की प्राण प्रतिष्ठा के समय जब हम विशुद्धि चक्र की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे, तब वहां 400 लोग इकट्ठा हुए थे और उन सब के बीच से किसी तरह रेंगता हुआ एक सांप हमारे पास पहुंच जाता था। हमने जाने कितनी बार उसको उठाकर दूर जंगल में छोड़ा होगा, लेकिन बस आधा घंटा होते न होते वह वापस चला आता था। वह प्राण प्रतिष्ठा से दूर नहीं रहना चाहता था। सांप ही वह पहला प्राणी है जिसको इस पृथ्वी पर होने वाले मामूली से मामूली बदलाव का अंदाजा हो जाता है, क्योंकि उसका सारा शरीर धरती से लगा होता है। उसके कान नहीं होते, वह बिल्कुल बहरा होता है, इसलिए वह अपने पूरे शरीर को कान की तरह इस्तेमाल करता है। सचमुच में वह अपने कान धरती से लगाए होता है।
मान लीजिए कैलिफोर्निया में भूकंप आने वाला है, तो वेलियंगिरी पहाड़ों के सांपों को 30 से 40 दिन पहले ही इसकी जानकारी हो जाती है। हमारी धरती को लेकर सांप की बोध शक्ति इतनी ज्यादा तेज है। संसार के तमाम क्षेत्रों, मध्य पूर्व, उत्तर अफ्रीका, मेसोपोटामिया, दक्षिण एशिया और मध्य यूरोप की सारी देवियों को हमेशा सांपों के साथ ही दर्शाया जाता है। लिंग भैरवी में हर पूर्णिमा के दिन भक्तों के लिए सर्प सेवा होती है। यह दो सांप आलिंगन में चित्रित है, वे एक दूसरे से उलझे हुए नहीं है। आलिंगन जुड़ाव के कारण होता है, जबकि उलझाव मजबूरी के कारण होता है। ये सांप एक खास आलिंगन और खास नृत्य में दर्शाए गए हैं, ताकि हर एक की जिंदगी में ऐसा ही जुड़ाव लाया जा सके। महीने में एक बार चींटियों के टीले से निकाली गई मिट्टी कुछ दूसरे पदार्थों के साथ मिलाकर इन सांपों में भर दी जाती है। ये इंसान की बोध शक्ति को बढ़ाने के लिए सांपों के इस्तेमाल का एक तरीका है। धन्यवाद।